कथा चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक देव अधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाए। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगा कर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान है। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह, जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है, ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती, अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है, महाराज अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं।
मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान, 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज, उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए, शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापस लेकर आ जाइए, उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15-20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, बहुत चिंता लगी रहती हो लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं, बहुत मेहनत कर रहे, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो हर जन्म के पीछे कोई कारण है, शिव महापुराण से एक बात अच्छी लेकर जाना, क्या चाहे राजा होए चाहे रमन हो, गरीब होए चाहे अमीर हो, प्रत्येक मनुष्य को भगवान एक बार संभलने का मौका जरूर देता है, और उस संभलने के मौके में जिसने चौका लगा लिया वो आगे निकल ही जाता है, आपको भगवान एक ना एक मौका जरूर देगा कि तू भगवान की भक्ति कर, शिव स्मरण कर, शंकर का गुणगान कर, कर एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ा, एक चावल का दाना समर्पित कर, उसका साथी एक पत्र में लिखा दे दीपा चौरसिया पान उमरिया जिला कटनी से आए हैं, कहीं बैठे आप आए बेटा, दोनों हाथ उठा दो, एक बार दीपा चौरसिया पान उमरिया जिला कटनी से है, इन्होंने पत्र लिखा है गुरु जी कि जिस मंदिर में शंकर नहीं है कुबेरेश्वर धाम में, उस मंदिर का चमत्कार क्या है, मैं अपना चमत्कार लिख रही हूँ, पूरी जगह पर मैंने इंटरव्यू दिया, आज तक पास नहीं हुई थी, पर एक चावल का दाना और एक पशुपति व्रत पहली बार बाबा का करके आई, और दूसरी बार जो इंटरव्यू देकर आई थी मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई है, उसके लिए धन्यवाद। बैठो बेटा, बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। और एक और बड़ा सुंदर पत्र है, उसको भी सुनाइए, राधा जी वर्मा आगरा, दोनों हाथ उठाओ, एक बार हर हर आपने लिखा है राधा जी,